सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं खास खबरां दी खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अंग्रेजी महीने मुताबिक अज 30 जून है, दिन वीरवार है। नानकशाही संमत 554 के मुताबिक अज 16 हाड़ है। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानू सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दसांगे। सब तो पहला सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे नाल जुड़ी हुई अपडेट दे दिंदे आ। इस केस दे विच मानसा पुलिस नू जग्गू भगवानपुरिया दा ट्रांजिट रिमांड भी मिल गया है। उसनू अज मानसा दी अदालत विच पेश कीता जाएगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दे नाल हुण जग्गू भगवानपुरिया दा नाम भी शामिल हो गया है। पुलिस नू सूचना मिली है कि मूसेवाले दा कतल करन वाले शार्प शूटरां दे विचों दो नू हथियार जग्गू ने ही मुहैया करवाए सी। जग्गू नू गैंगस्टर लॉरेंस वाले ग्रुप दा मैंबर ही मन्निया जांदा है। कल मानसा पुलिस दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के पहुंची सी, उत्थे ट्रांजिट रिमांड की मांग की सी। अदालत ने पुलिस के तर्क नूं मानदिआं ट्रांजिट रिमांड दे दित्ता है ते हुण अज मानसा की अदालत विच पेश करके उसका पुलिस रिमांड मंगिया जाऊगा। जग्गू नूं लैके कल पुलिस मानसा पहुंच चुकी है। सख्त सुरक्षा प्रबंधा हेठ उसनूं दिल्ली तो मानसा लिआंदा गया। SSP मानसा गौरव तूरा के मुताबिक अज उस अदालत में पेश किया जाऊगा। SSP ने दसा कि जग्गू भगवानपुरिया का संबंध मनमोहन सिंह मोहना नाल भी सी, जिसने उसका नाम लिया। मोहना ने उसके कहने ही सिद्धू मूसेवाले की रैकी की, शार्प शूटरां नूं अपने घर ठहराया। शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले के कतल तो पूरे एक महीने बाद होने वाली कार्रवाई है। इस कार्रवाई दे विच्चों इस पुछगिछ दे विच्चों पुलिस नूं की मिलूगा, की कढ़ूगी पुलिस, जांच सिरे तक लगेगी जां नहीं, ये वड्डा सवाल है। ते कतल तो एक महीने बाद शुभदीप सिंह दा जिथे अंतिम संस्कार होया सी उसदे खेतां विच, उत्थे उसदा बुत ला दिता गया। पुलिस दे हाथ भावें हाले तक खाली ने, मापे भी झोली अड्डी खड़े ने कि इंसाफ दे दिओ। ओह तां पता नहीं कदों मिलना कदों नहीं, पर लोग दुनिया भर के लोग जिहड़े सिद्धू मूसेवाले नूं जाणदे ने ओह जरूर मापियां दे नाल दुख दर्द वंडाउण दे लई पहुंचदे ने। ते एक प्रशंसक ने हुण मूसेवाले दे अंतिम संस्कार वाली थां ते बुत ला दिता है। ये बुत परिवार नूं मंगा सिंह अबोर ने भेंट किया, जिथे लोग श्रद्धांजलि भेंट करन पहुंचते ने। सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह सिद्धू, माता चरण कौर ते ताया चमकौर सिंह ने मुड़ पंजाब सरकार तो मंग की है कि उन्होंने पुत के कातलों छेती फड़िया जाए। तो एक होर खबर भी थानू दस दिने हाँ, सिद्धू मूसेवाला कतल में गैंगस्टर दसते हैं कि विक्की मिड्डू खेड़ा कतल का असी बदला लिया है। तो मिड्डू खेड़ा के कतल का इल्जाम वह लाते हैं सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर रहे शगनप्रीत। तो हुण खबर मिली है कि शगनप्रीत जांच विच शामिल होने के लिए तैयार है। शगनप्रीत सिंह ने अपनी चुप तोड़द्या जांच विच शामिल होने की हामी भरी है। इस वक्त वह आस्ट्रेलिया दे विच है ते उसने अपने वकीलों के राही पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट दे विच अर्जी दाखिल करके अपनी सुरक्षा यकीनी बनाने की मांग भी की है। गैंगस्टरां दीआं धमकियां तो डरदा ही शगनप्रीत विदेश चला गया सी। पुलिस की गिरफ्तारी तो भी उसनू डर सी। शगनप्रीत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ते कैनेडा बैठे गोल्डी बराड तो अपनी जान नू खतरा भी दस्या है। ते नाल ही उसने विक्की मिड्डू खेड़ा कतल मामले विच अगाऊं जमानत की मांग भी की है। हुण आपां मौसम की गल करांगे। पंजाब दे विच कल पूरा दिन बदलवाई छाई रही, कई थावां ते हल्का हल्का मीह भी पिया। चंडीगढ़ समेत नाल दे इलाकियां दे विच मीह पैण नाल इत्थे गर्मी तो राहत मिली हुई है। ठंडियां हवावां लगातार चल रही ने, लोगों नूं गर्मी तपदी गर्मी दे मौसम विच थोड़ी ठारी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अज रात तो पूरे पंजाब के कई इलाकों के मीह पैना शुरू हो जाएगा। हालांकि मीह लगता है कि पहले ही पैना शुरू हो जाएगा। कल रात भी कई थावां ते किणमिण कणियां हुई ने, तो अगले चार दिन तक लगातार मीह पैंदा रहेगा। मौसम विभाग ने यह भी अंदाजा दिता है कि अज सवेर तो 1 जुलाई तक यानी कि कल तक मानसून के नाल पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ के इलाकों के भरमा मीह पै सकता है। 1 जुलाई नूं तां पूरे पंजाब दे विच जबरदस्त मीह पैण की संभावना भी दिती है। नाल ठंडियां हवावां तेज हवावां भी चलणगियां। तो यह मीह है जिहड़ा मानसून का मीह होएगा। पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ के मानसून दस्तक देने वाली है। तो इस मीह के नाल झोना लाने वाले किसानों नूं भी राहत मिलेगी, तो नाल ही नाल बिजली विभाग नूं भी राहत मिलेगी। बिजली की मांग घटेगी, पैदावार वधेगी। तो मौसम का हाल दसदे दसदे सानू खबर मिल रही ने कि पंजाब दे विच कुछ थावां ते मीह पैना शुरू भी हो गया। चंडीगढ़ दे विच भी मीह पैना शुरू हो गया। मोहाली दे विच भी हल्का हल्का मीह पैना स्टार्ट हो गया। तो इस दे नाल ही जलंधर इलाके दे विच भी मीह की शुरुआत हो चुकी है। कल भी माफ़ करना परसों भी बंगा दे विच काफ़ी मीह पिया सी, ते अज भी बंगे मीह पैना शुरू हो गया। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो। कमेंट करके तुसीं जरूर दस्सिओ सानू कि तुहाडे इलाके दे विच मीह कदों पैना शुरू होया।
अज विधान सभा के बजट इजलास का आखिरी दिन है ते आखिरी दिन सरकार दे वल्लों कई बिल पास किए जाने की संभावना है। कल भी सदन दे विच काफ़ी नोक चोक हुई है, तिखी बहस हुई है। मुख्यमंत्री ने बजट इजलास से बहस का जवाब दिता अते कहा कि भ्रिष्ट लीडरां नूं बख्शांगे नहीं। बिना नाम लए उन्होंने कई नाम लै दिते, बिना नाम लए कई नावों के संकेत दे दिते जिन्हां नूं जेल दे विच भेजन की तैयारी हो रही है। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सिर चढ़े कर्जे नूं खत्म करन दा असी यतन करांगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल महाराजा रणजीत सिंह की बरसी मौके सदन दे विच कहा कि महाराजा रणजीत सिंह दे नक्शे कदमां ते चलांगे, राज चलावांगे। कल पंजाबी दे मुद्दे ते मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विरोधियों नूं घेरिया। दिल्ली हवाई अड्डे तक जिहड़ी बस सेवा चलाई गई है उस ते भी विधान सभा दे विच हंगामा होया। बजट सैशन दा जिहड़ा लाइव प्रसारण किया जा रहा है उस नूं लैके सुखपाल सिंह खहरा ने सवाल चुके, कहा कि फोकस विधान सभा दे विच विरोधी धिर दे लीडर नूं कीता ही नहीं जांदा ते इस मुद्दे नूं लैके प्रताप सिंह बाजवा ने खुद भी विरोधी धिर दे लीडर हुंदिया होया स्पीकर कुलतार सिंह संधवा नूं चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि मेरे भी ध्यान में आया कि जो विरोधी धिर का विधायक बोल रहा हों तो कैमरा फोकस नहीं हों, आम तौर पर विरोधी धिर के विधायक के भाषण को पूरा भी नहीं दिखाया जाता तो लोगों को पता ही नहीं लगता। कई बार तो जिन्होंने आवाज़ की पछाण नहीं होंगी कि बोल कौन रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी के हर विधायक मंत्री अते बुलारे ते कैमरा फोकस किया जाता है। उन्होंने कहा कि लाइव प्रसारण के इंचार्ज अफसरां हुक्म दिओ कि सारे विधायकों के भाषण में ही बराबर कवरेज करनी यकीनी बनाई जाए। नाल ही उन्होंने ये भी मांग की कि जिवें लोक सभा ते राज सभा टीवी बनाए हुए ने सरकार ने, उसी तरह पंजाब विधानसभा भी अपना अपना प्रसारण चैनल शुरू करना चाहिए और जिहड़ा प्रसारण है वह निरपक्ष ते बराबर ढंग नाल होना चाहिए। प्रश्नकाल दे विच कल अमृतसर तो विधायक आम आदमी पार्टी के ही विधायक कुंवर विजय प्रताप ने अपनी ही सरकार नूं घेरिया। लॉरेंस बिश्नोई नूं VVIP सुरक्षा देने दे मुद्दे ते उन्होंने घेरिया। कल विरोधी धिर दे लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी दी दुख दी रग ते हाथ रख दिता। दरअसल कल राज्यसभा मैंबर राघव चड्ढा खास तौर पर पहुंचे हुए सी मुख्यमंत्री दे माता, उन्हां दी भैण मनप्रीत कौर तो इलावा गीतकार बाबू सिंह मान मराड़ा वाले भी मेहमान दे वजों सदन दे विच मौजूद सन। इस मौके बाजवा ने बिना नाम ले दर्शक गैलरी दे विच मौजूद आम आदमी पार्टी दे लीडर दी दिल्ली वाले लीडर दी गल करदिआं कहा, विधायकां नूं कहा कि तुसी उन्हां नूं गैलरी विच बैठिया नूं खुश करन दे चक्कर विचों ते उन्हां नूं ही तुहानूं रिपोर्ट करना पैंदा। इस तों सदन दे विच हंगामा हो गया। आम आदमी पार्टी दे लीडर विधायक मुख्यमंत्री सारे तड़फ उठे ते इस गल ते काफ़ी रौला रप्पा पैंदा रहा। तो जदों आम आदमी पार्टी की सरकार दे वल्लों वारी वारी भ्रिष्ट लीडरां नूं जेलां दे विच डक्कण दा बयान दिता गया तो अफसरां नूं भी खूब रगड़े लगे। विरोधी धिर दे लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि भ्रिष्ट लीडरां नूं फड़न तों किसी नूं नहीं रोकिया, पर भ्रिष्ट नौकरशाहां नूं फड़ के भी अंदर दिओ, उन्हां नूं तां तुसीं वड्डियां पोस्टां ते बिठा रखिया। विधायक प्रगट सिंह ने भी कहा कि अफसरां दी जिम्मेवारी भी तय होनी चाहीदी है, कल्ले सियासी लीडर ठग चोर नहीं, अफसरां नूं भी हथ पाओ। इत्थों तक कि आम आदमी पार्टी दे भी एक विधायक ने कह दिता कि अफसरां ते लीडरां दी संपत्ति की जांच होनी चाहीदी है। सो अज बजट दे आखिरी दिन देखदे हां कि की कुछ हुंदा है सदन दे विच। GST कौंसल की मीटिंग की गल करांगे जिहड़ी कि चंडीगढ़ दे विच चल रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस मीटिंग की अगवाई कर रहे हैं। 47वीं मीटिंग दे विच आम वरतों दीयां कई वस्तुआं महंगीयां कर दित्तियां गईयां ने। नवीयां दरां 18 जुलाई तो लागू होणगीयां। सूबियां दे विच GST मुआवजा जारी रखने बारे फैसला टाल दिता गया, जिसनों सूबे वारी वारी मंग कर रहे ने कि GST मुआवजा जारी रहना चाहिए। जड़िया महंगीयां हुई वस्तुआं ने वह थानू दस दिने हाँ। प्रिंटिंग लिखती ते ड्राइंग वाली स्याही महंगी हो गई है, पहला 12% ते हुण नवी दर 18% हो गई है। स्याही तो बिना चाकू ब्लेड पेंसिल शार्पनर चमचे ट्यूबवैल टर्बाइन पंप समरसीबल पंप डेयरी मशीनरी LED लाइटा ते GST दर 12% तो वधा के 18% करन दा फैसला लिया गया है। 1,000 रुपये प्रतिदिन वाले होटल ते पहला GST नहीं लगती सी ते हुण 12% GST तुहानू देना पवेगा। इस मीटिंग दे विच पेट्रोल ते डीजल बारे कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि मीटिंग दे विच पेट्रोल ते डीजल नू GST दे दायरे विच लियाउण दी कोई चर्चा नहीं हुई है। मुल्क दे लोक पिछले काफ़ी समय तो पेट्रोल ते डीजल नू GST दायरे च लियाउण दी मांग कर रहे ने। लुधियाणा के गुरुसर सुधार तो खबर है जिथे भारतमाला प्रोजेक्ट के खिलाफ किसान ते मजदूर नितरे ने। भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां की अगवाई दे विच
पिंड कालख की अनाज मंडी दे विच सूबा पद्धरी रैली की गई। किसानां ते मजदूरां दा वड्डा इकट्ठ होया। इस दौरान जोगिंदर सिंह उगराहां ने सरकार नूं चेतावनी दित्ती है कि सरकार किसानां ते मजदूरां दे सबर दा इम्तिहान ना लवे। भारतमाला प्रोजैक्ट के तहत पंजाब भर च जमीनां ग्रहण करन लई सरकार दे वल्लों शुरू कीते हमलावर रुख दा किसान ते मजदूर एकजुट होकर हुण मुकाबला करनगे। इह चेतावनी उन्होंने सरकार नूं दित्ती है। इल्जाम है कि इस प्रोजैक्ट के लिए किसानों दीयां जमीनां जबरी लईयां जा रही ने ते उन्हां नूं बनता जिहड़ा मुआवजा वह भी नहीं दिता जा रहा, बनता मुल नहीं दिता जा रहा। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की बरसी मौके कल पाकिस्तान वाले पंजाब अते भारत वाले पंजाब दोवीं थाई समागम करवाए गए। पाकिस्तान के लाहौर के विच शरदा ते सतिकार दे नाल महाराजे की बरसी मनाई गई अते अमृतसर दे विच भी समागम करवाए गए। भारत तो श्रद्धालु भी बरसी मनाउण दे लई पाकिस्तान पहुंचे हुए ने। अमृतसर दे विच गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल दे विच प्रोग्राम करवाया गया। परसों 12वीं जमात का नतीजा आया है। इस दे विच पहले 3 स्थानां ते कुड़ियां काबिज होईयां ने, पर इस नतीजे दे नाल जुड़ी एक बड़ी चिंता वाली गल तुहानूं दस दिंदे हां। पंजाबी मां बोली दे लई चिंता वाली गल है। 12वीं जमात दे 4560 पाड़े पंजाबी दी प्रीख्या विचों फेल हो गए ने। इस तों वड्डी शर्मनाक गल मैनूं लगदा नहीं हो सकदी, क्योंकि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे अधीन आए नतीजे ने। इस बारी कुल 301,370 विद्यार्थियों ने 12वीं की प्रीख्या दी सी, जिन्हां दे विचों 4560 विद्यार्थी पंजाबी चों फेल हो गए ने। अंकड़ा भावें 2% ही है, पर अपनी मां बोली वाले विषय विचों फेल हो जाना मंदभागी रुझान की निशानी है। उंज भी आपां देखदे हां कि अजकल दे जिहड़े न्याणे ने, चाहे वह BA पास कर जाण, MA पास कर जाण, पर उन्हां दी पंजाबी बोलण ते उत्तों पंजाबी लिखण दे विच जिहड़ियां गलतियां हुंदियां ने, उह सच्ची शर्मनाक हुंदियां ने। पंजाबी लिटरेचर की प्रीख्या देने वाले 63,402 विद्यार्थियों 1424 बच्चे फेल हो गए ने। उर्दू विषय की प्रीख्या देने वाले 136 सिर्फ 4 जने ही फेल हुए ने। हुण इत्थे गलती किसकी है? सरकारी स्कूलों के पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के अधीन जिहड़े स्कूल ने, उन्होंने पंजाबी पढ़ने वाले विद्यार्थी चंगी तरह नहीं पढ़ते, या फिर पढ़ाने वाले अध्यापकों का भी यही हाल है। ये जरूर गौर करनी चाहिए है बोर्ड नूं ते सरकार नूं। पिछले दिन जेलां दे नवें DGP तैनात किए गए हरप्रीत सिंह सिद्धू ने कल पटियाला दी केंद्रीय जेल का दौरा किया। 3.5 घंटे उन्होंने जेल दे विच बिताए। अपना अहुदा सांभण तो पहला उन्हां दा इह पटियाला जेल का पहला दौरा सी। सिद्धू ने पहला जेल सुपरडेंट मनजीत टिवाणा के दफ्तर में जेल अधिकारियों नाल करीब 2.5 घंटे मीटिंग की। इस तों बाद जेल विचले कई खेतरां का दौरा किया, फिर देर शाम नूं उह वापस मुड़े। मीटिंग में अडिशनल जेल सुपरडेंट गुरचरण धालीवाल भी मौजूद सन। अहम गल यह देखने मिली कि मजीठिया सिद्धू के सैलां वल DGP गए ही नहीं। दोवें वड्डे लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया ते नवजोत सिंह सिद्धू इसे जेल दे विच बंद ने, पर हरप्रीत सिंह सिद्धू इन्हां दोवां सियासी लीडरां वाले सैलां विच नहीं गए। जबकि सिद्धू ने जेल दे विच कुछ बैरकां दा दौरा कीता, महिलावां वाली वार्ड दी फेरी भी लाई, बंदियां दे लई जो खाना बनाया जांदा है उसकी जांच भी कीती। इसे जेल दे विच 2 दर्जन दे करीब A ते B ग्रेड दे गैंगस्टर भी कैद कट रहे ने। पिछले दिनी बिक्रम सिंह मजीठिया की मुलाकात लई आए साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने हरप्रीत सिंह सिद्धू नूं जेलां दा चार्ज देण ते सख्त इतराज जताया सी। मजीठिया की पत्नी गनीव कौर मजीठिया समेत अकालियां दे वफद ने राजपाल नूं मंग पत्र भी सौंपिया सी, सिद्धू नूं हटाए जाण दी मंग कीती सी। पंजाब दे इस बुलेटिन दे विच असीं तुहानूं महाराष्ट्र की एक खबर भी दस दिंदे हां, जिथे वड्डा सियासी संकट आया होया। सियासी संकट दे विच घिरे हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल रात अपने अहुदे तों अस्तीफा दे दिता है। बहुमत साबित करन तों पहलां ही उन्होंने अस्तीफा दे दिता है। इस तों पहलां कल महाराष्ट्र के राजपाल ने महाविकास अगाड़ी सरकार नूं वीरवार सवेरे यानी कि अज सवेरे 11 बजे तक बहुमत साबित करन दे लई कहा सी, पर ठाकरे ने अस्तीफा दे दिता है। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट दे विच चुनौती दित्ती सी कि उद्धव ठाकरे जां बहुमत साबित करन जां फिर सरकार छड्डन। बागी विधायक हाले भी गुवाहाटी दे विच मौजूद ने अते कई गोवा भी पहुंचे हुए ने। ते हुण महाराष्ट्र दे सियासी संकट दी जिहड़ी गेंद है राजपाल दे पाले विच है। संकेत मिल रहे ने कि इत्थे हुण जिन्हां दे कोल बहुमत है, जिहड़ा बागी धड़ा वड्डा हो गया, उसदे वल्लों BJP नूं मिल के सरकार बनाउण दा सद्दा दित्ता जा सकदा है। ठाकरे ने अस्तीफा देने मौके कहा कि मैं अपने मुख्यमंत्री के अहुदे तो अस्तीफा दे रहा, मैं विधान परिषद की मैंबरी भी छड्ड रहा हाँ। ठाकरे ने कहा कि मैं नंबरों की खेड विच नहीं पैना चाहता, क्योंकि मेरी पार्टी का एक भी साथी जे मेरे खिलाफ खड़ता है तो यह वेखना भी मेरे लिए शर्मनाक होगा। ठाकरे ने पार्टी वर्करां नूं अपील की है कि रोस वजो सड़कां ते ना उतरन अते बागी विधायकां नूं वापस मुड़न देन। अस्तीफा देने तो पहला कल कैबिनेट की बैठक भी हुई सी। बैठक की प्रधानगी मुख्यमंत्री ठाकरे ने की सी। इस मौके औरंगाबाद अते उस्मानाबाद शहर के नाम भी बदल दिए गए ने।
औरंगाबाद का नाम बदल के सांबा जी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखन नूं हरी झंडी दे दित्ती। इस तरह नवा जिहड़ा मुंबई कौमांतरी हवाई अड्डा बन रहा है उसका नाम बदल के किसान लीडर मरहूम डीबी पाटिल के नाँ ते रखन नूं मंजूरी दित्ती गई है। एक अपडेट सानू अमरीका विच वापरी त्रासदी दे नाल जुड़ी भी दे दिंदे आ। दो दिन पहला अमरीका दे विच एक लावारिस ट्राले दे विचों 46 जने मृतक मिले सी ते हुण मरन वालों की गिणती 51 हो गई है। अमरीका मैक्सीको सरहद नेड़े टैक्सस दे सैन एंटोनियो शहर दे विच लावारिस छड़े ट्राले दे विच गर्मी भुख ते हुम्मस कारण मरन वाले व्यक्तियों की गिणती वध के 51 हो गई है। परसों रात तक की 50 हो गई सी, कल एक होर व्यक्ति ने दम तोड़ दिता है। पुलिस ने ट्राले दे ड्राइवर नूं नेड़ले खेतां विचों काबू करन दा दावा किया है जिहड़ा पहलां फरार सी। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस घटना से दुख प्रगटाउंदिआं कहा कि शुरुआती रिपोर्टां दे मुताबिक यह घटना मनुखी तस्करां दा कारा जापदी है। दरअसल गश्त करदी पुलिस नूं इस खड़े ट्राले दे विचों बाहर लटकदी इक लाश दिखाई दित्ती सी। जदों खोल के अंदर देखा गया तो अंदर लाशां ही लाशां सन। 46 जने मृतक हालत विच मिले सी, बाकी सारयां दी हालत गंभीर सी, जिन्हां नूं वख-वख हस्पतालां दे विच दाखल कीता गया है। इन्हां दे विचों 4 छोटे बच्चे भी शामिल ने। स्थानक मीडिया रिपोर्टां दे मुताबिक 27 जने मैक्सीको, 3 ग्वाटेमाला ते 4 होंडुरस दे विच हन, जिहड़े अमरीका दे विच गैर कानूनी तरीके दे नाल दाखल होण दी कोशिश कर रहे सी। मीडिया मुताबिक ट्रक ड्राइवर हिरासत विच है ते ओह अमरीका दा ही नागरिक दस्या जा रहा है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच हुण कुछ होर खबरां तुहानूं दस दिंदे आं। मोया जदों पंजाब दा महाराजा मोई वीरता वीर पंजाबियां दी कला शेरनी चिखा दे विच सड़िया, सड़ गई नाल तकदीर पंजाबियां दी। 29 जून नूं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी 183वीं बरसी मनाई गई। हर पंजाबी जिथे भी वसदा है उसने महाराजे दे राज नूं ते महाराजे नूं सिजदा कीता। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह 29 जून 1839 नूं इस दुनिया नूं अलविदा कह गए सी ते उदों एक वड्डे विशाल सिख राज दी जड़ है जिहड़ी पुट्टी गई सी। महाराजा रणजीत सिंह दे जाण तों महज 10 सालां दे विच सिखां दा राज है जिहड़ा उह खतम हो गया सी, जिहड़ा कि अफगानिस्तान तक फैलिया होया सी। दर्रा खैबर तक उस दीआं हद्दां लगदीआं सी। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने अनंत निजी गुणा दे सदका पंजाब ते आसपास दे इलाकिआं दे विच इक ऐसा विशाल ते खुशहाल धर्म निरपक्ष शक्तिशाली इंसाफ पसंद राज सरकार एक खालसा दे वजों कायम कीता सी, जिस दा लोहा उस वेले दे ताकतवर अंग्रेज़, फ्रांसीसी, रूसी, अफगानी ते वीरानी सल्तनतां मनदीआं सन। महाराजे दी परजा उहनां नूं दिलों प्यार करदी सी। लोक महाराजे दे इक इशारे दे उत्ते अपणीआं जानां कुरबान करन लई वी तत्पर रहिंदे सी। मुख मंत्री भगवंत सिंह मान समेत पंजाब दीआं सारीआं वड्डीआं शख्सियतां ने बरसी मौके महाराजे नूं श्रद्धांजलि दित्ती, सजदा कीता। महाराजा रणजीत सिंह बराबरता ते सर्वधर्म सन्मान दे लई जाणे जांदे ने ते उहनां दे राज प्रबंध दीआं अज तक मिसालां ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੁਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਛੜ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਜਾਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਨਸੂਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਟਰਾਂ ਘੱਟ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਊਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੀਂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹਾਸ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 19 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਰੁਪਈਏ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 19 ਪੈਸੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 79.04 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਅਮੈਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਹੁਣ 79.04 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੱਗਾਂ ਨੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ
सैल ने जिलों के डीसी डिप्टी कमिश्नर की शिकायत तो बाद इसकी जांच शुरू कर दी है। पंजाब के डीजीपी वीके भावरा की फोटो से नाम लगा के एक वट्सएप आई डी तैयार की गई। सारे जिलों के डिप्टी कमिश्नर सुनेहे भेजे गए, वट्सएप के राही पैसे मंगे गए। हुण मामला सामने आने तो बाद पूरे पंजाब अलर्ट जारी किया गया कि जेकर किसी भी डीजीपी की तस्वीर वाला वट्सएप मैसेज आता है तो पंजाब पुलिस के साइबर सैल न दसन। डिप्टी कमिश्नर 74-369-06-364 इस नंबर तो मैसेज भेजे गए थे। सो यह नंबर तुसी जरूर नोट कर लो, जे थानू भी इस नंबर तो कोई मैसेज आता है तो बिल्कुल तुसी रिस्पोंड नहीं करना बल्कि पुलिस नू दसना है। मैसेज मिलन तो बाद जो डिप्टी कमिश्नर ने डीजीपी दे नाल गल की फिर इस गल का खुलासा होया ते तुसी अपनी शिकायत है जी ऑनलाइन भी दर्ज करवा सकते हो aigcc@punjabpolice.gov.in इतने तुसी ईमेल कर सकते हो। वैबसाइट है cybercrime.punjabpolice.gov.in इतने भी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। हुण गल करांगे पंजाब विधानसभा के बजट इजलास की जिहड़ा 30 जून नू खत्म हो जा रहा है, बुधवार नू पांचवां दिन रहा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विधानसभा के बजट इजलास के पांचवें दिन पंजाबी की क्लास लाई। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि जिहड़े अपने भाषण के हर तीजी गल विच अंग्रेजी बोलते हैं, पंजाबी सही तरह बोल ही नहीं सकते, वह साढ़े नाल पंजाबी बचाउण की गल करते हैं। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खहरा ने मुख्यमंत्री मान की गल नू विच ही टोकिया तो मान ने खहरा के दुआले हुंदिया कहा कि तुसीं पहलां सुनने की आदत पा लो। इस ते खहरा ने भी जवाब दिता कि मैनू बोलण का हक है। तो मान ने तलखी विच आउंदिया कहा कि जदों मैं बोल रहा तुसीं किवें बोल सकते हो। तो एकदम फिर भगवंत मान अपनी सीट पर बह गए, कहिंदे खहरा साहब पहलां तुसीं बोलो। इस तों बाद स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि किसी नू भी मुख्यमंत्री दे बोलण दे विच दखलअंदाजी नहीं करनी चाहीदी। तो मान ने खहरा दे उत्ते तंज कसदिआं पुछिआ कि रनिंग कमेंटरी करनी जरूरी हुंदी है। सीएम मान ने मजाकिया लहजे दे विच विरोधी धिर दे लीडर प्रताप सिंह बाजवा नू सुखपाल सिंह खहरा दे सैल कढ़न लई वी कह दिता। आजू खहरा साहब आजू, चुप चुप करके सुन लो हुण, कृपा करके ना हुण एक बार ना थोड़ा कर सुनने की आदत पाओ। गल गल ते इहदा आ पता करा लो, इहदा आ पता करा लो, ना करो सर। सर तुसीं इदां किवें बोल सकते हो जदों मैं बोल रहा हां? कहिंदे पंजाबी नहीं आउंदी। जिहड़े बंदे एक गल नोट कर लियो अज स्पीकर साहब, मैं सारे हाउस नूं दसना चाहुंदा, जिहड़े अपने भाषण दे विच हर तीजी गल अंग्रेजी च बोलदे ने, जेड़े लोकां नूं नहीं कहिंदे लोगां नूं, लोग हिंदी दा लफ्ज़ है, लोग पंजाबी दा लफ्ज़ है, शायद अज तों बाद बदल जाण। लोगां ने कहा पंजाबी दी गल करदे साडे नाल, साडे नाल पढ़ के सनावरां च, पढ़ के दूना च, ते साडे सरकारियां नूं सानूं तुसीं पंजाबी सिखाओगे? तुसीं खैरा साहब तुसीं बोलो बाजवा साहब प्लीज, तुसी एल ओ पी हो सर, कृपा करके इन्हें सैल कटो। मुख्यमंत्री मान ने कांग्रेसियों तो अंबिका सोनी के दसवीं जमात के नंबर भी पूछे। मुख्यमंत्री मान ने बिना नाम लए दस दिता किहड़े साबका मंत्री होर जेल दे विच जाणगे अते औरतां नू 1000 रुपये कदों मिलणगे इसका जवाब भी दिता अते पंजाब दी विधानसभा किवें बदलूगी इस सारे पक्षां दे उत्ते मुख्यमंत्री ने विधानसभा दे विच भाषण दिता। उन्होंने दिल्ली मॉडल की फिर तारीफ की, गुणगान किया। हालांकि यह भी कह रहे थे कि असी महाराजा रणजीत सिंह के कदमों से चलांगे, प्रदूषण नू पूरी तरह कंट्रोल करांगे। मान ने अपनी सब तो खास गरंटी जी आप हमने दस के हटिया 1000 रुपये उत्ते कहा कि असी छेती इस नू पूरी करांगे जदों साडे कोल सारे स्रोत पूरे हो जाएंगे। नाल ही उन्होंने ऐलान किया कि अगले सैशन में सब नू नवी विधानसभा वेखण नू मिलेगी, तुहाडे अगे स्क्रीन लगी होगी ते मौजूदा विधानसभा नू ई विधानसभा विच तब्दील करन दा उन्होंने दावा किया। जिहड़े हाउस दे विच आपां बैठे हां अगले सैशन तो पहला इतने वायरिंग चल रही है, हूँ तो एक नवी विधानसभा देखने मिलेगी, सामने स्क्रीन लगी होगी, इतने टच स्क्रीन होगी, सब कुछ उस अपडेटेड होगा। कोई 2:30 बजे तुहाडे घर की बैल मार के कोई सवाल ना दे जवाब या सवाल नहीं देके जाऊगा, इतने पे आऊगा सारा कुछ जिवें प्लेन दे विच लगी होंदी है। ई विधानसभा आपां कर देनी है अपडेट। विधानसभा दे विच बुधवार नूं होर की कुछ होया है, कुछ खास जिहियां गल्लां ओह वी तुहानूं दस दिंदे हां। अमन अरोड़ा जिहड़े कि आम आदमी पार्टी दे विधायक ने, उन्होंने स्पीकर तो नाराज़ हो के यह कह दिता कि मैं बाहर चला जांदा तां कुलतार सिंह संधवा जिहड़े कि विधानसभा दे स्पीकर ने, जिहड़े कि आम आदमी पार्टी दे ही विधायक ने, उन्होंने कहा कि तुसीं तां गल नूं दिल ते ही लागे। अमन अरोड़ा ने कांग्रेस दे
ਕਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 에어ਪੋਰਟ ਕੋਈ ਸਰ ਅਮਨ ਜੀ ਸਰ ਕੋਈ ਇਮੀਨੈਂਟ ਸਰ ਇਮੀਨੈਂਟ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸਰ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸਰ। ਸਾਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭਾਗ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ एक होर वड्डी गल, जदों आम आदमी पार्टी दे विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अपनी ही सरकार ते इल्जाम ला दिता। उन्होंने कहा कि जदों लॉरेंस बिश्नोई नूं रिमांड ते अमृतसर पुलिस ले जा रही सी तां इस नूं ग्लैमराइज किया गया। सुरक्षा मुलाजमां दी वर्दी ते VVIP ड्यूटी ते तैनाती का स्टिकर लाया गया सी। कुंवर विजय प्रताप ने सवाल चुकया कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई जिहड़ा एक गैंगस्टर है उसकी सुरक्षा नूं VVIP की सुरक्षा नाल किवें जोड़िया जा सकता है। इस नाल नौजवानां विच गलत सुनेहा जांदा है जिहदे नाल गैंगस्टर कल्चर नूं बढ़ावा भी मिलता है। अमृतसर दे लोकां दे विच दहशत दी भावना पैदा होवेगी, अजिहा नहीं कीता जाना चाहिंदा सी। VVIP ट्रीटमेंट देण दी कोई लोड़ ही नहीं सी। ते तुरंत अमृतसर पुलिस नूं इह हदायत कीती जावे कि इस दा ग्लैमराइजेशन बंद कीता जावे क्योंकि 8 दिन दा रिमांड है मानयोग स्पीकर साहब, इस दे उत्ते कारवाई होनी चाहिए है। विधानसभा दे अंदर एयरपोर्ट तक जिहड़ी आम आदमी पार्टी दी सरकार ने सरकारी वॉल्वो बसां शुरू कीतियां ने उस नूं लै के भी कांग्रेस ते आप आगुआं दे विचाले तिखी बहस हुई विधानसभा दे विच। जदों विधानसभा दे अंदर ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर ने इस सेवा नूं अपनी सरकार दी वड्डी उपलब्धी दस्सिया तां कांग्रेस पंजाब दे प्रधान राजा वड़िंग, MLA सुखपाल सिंह खहरा अते ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ, ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਯੈਸ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ LOP ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਬੋਲੋ। LOP ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਬਾਨ ਨੂੰ ਲਵਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੰਪਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੰਪਾ ਜੀ, ਜਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਐਕਸਪੰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜੰਪਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਭ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾ ਲਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਸੰਪਾਦਿਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਸਮੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੂਮਡ ਇਨ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸਡ ਕੈਮਰਾ ਵਾ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ MLAs ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੋਸਚਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੈਂਚਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ MLA ਬੋਲਦਾ, ਈਵਨ ਫੋਰ ਦੈਟ ਮੈਟਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, BJP ਜਾਂ BSP ਦੇ ਕੋਈ MLAs ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਕੈਮਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਨਾ MLA ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਲਾਈਵ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਔਕਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਜਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ
एडिट भी कर देते। सुखपाल खेरा ने आम आदमी पार्टी ते दोगलेपन दे इल्जाम लाउंदिआं इह वी कहा कि आम आदमी पार्टी जदों विरोधी धिर विच सी उदों इह सैशन छोटा होण दा सब तों वध रौला पाउंदे हुंदे सी, सैशन दी म्याद वधाउण दी मंग करदे हुंदे सी, सैशन दी पार्लीमेंट दी तर्ज उत्ते कवरेज लाइव करन दी मंग वी करदे सी। पर हुण जदों इहनां दी अपनी सरकार आई है तां इहनां ने सिर्फ 6 दिनां दा बजट इजलास रख्या है। खेरा ने 10 दिनां दा सैशन करन दी मंग कीती। खेरा ने भी कहा कि लगभग 780 करोड़ रुपये राजस्थान फीडर कनाल की रिपेयर करने वास्ते रखे गए ने, इहदे नाल वध पानी राजस्थान नूं जावेगा, पंजाब नूं नुकसान होएगा, अजिहा क्यों किया गया, पंजाब दा तां कहिंदे सारा पानी मुकदा जा रहा है। इस दे नाल ही RTI दे राहीं जानकारी सांझी करदिआं खेरा ने कहा कि पिछले 3 महीनों के 50 करोड़ रुपये बाहरले सूबिया की पबलिसिटी के उत्ते सरकार ने खर्च कर दिते ने, कहिंदे पैसा पंजाब दा ते मशहूरी यह केजरीवाल की करी जांदे ने, आखिरकार क्यों। 6वें पे कमिशन एरियर दा बकाया मिलन नूं लैके वित्त मंत्री हरपाल चीमा दे कोलों जदों प्रश्न काल दे विच सवाल पुछया गया तां उहनां दा जवाब हैरान करन वाला सी। कहिंदे सरकारी मुलाजमां दे एरियर ते DA देण दा समां तय नहीं कीता जा सकदा। वित्त मंत्री दा इह जवाब जाहिर तौर ते सरकारी मुलाजमां नूं निराश करन वाला है, क्योंकि 6 सालां तों मुलाजम एरियर दा इंतजार कर रहे सी, जदकि केंद्र सरकार 7वां पे कमिशन लागू करन जा रही है ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਏਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਵਿੱਚ 5% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਅਰ ਤੇ DA ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਬਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੰਘੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 29 ਤਰੀਕ ਤੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 29 ਜੂਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 29 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਜੂਨ ਤੱਕ 32 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ HGS ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ 4 ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਵੇਲੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਔਰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੱਗੂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਗੂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 4 ਕਥਿਤ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
कुछ दिन पहला जग्गू की माता हाईकोर्ट भी पहुंची सी। उसने कहा सी कि मेरे पुत की जान को खतरा है, जे पंजाब पुलिस उसनू पंजाब लेके आउंदी है तो उसनू बुलेट प्रूफ गड्डी अते जैकेट दिती जावे, ये मांग उसने अदालत विच रखी सी। हालांकि अदालत ने जग्गू भगवानपुरिया की माता की पटीशन खारिज कर दिता सी। सो पंजाब पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया नू ट्रांजिट रिमांड ते लिया है ते दिल्ली पुलिस ने पटियाला जेल च बंद शार्प शूटर नरेश नू प्रोडक्शन वारंट ते लिया है। पुलिस नू नरेश दा 7 दिनां दा रिमांड मिल गया। उसते सिद्धू दे कातलां नू हथियार मुहैया करवाउण दा शक है। दिल्ली पुलिस दे वल्लों गिरफ्तार मुलजमां दे विच्चों 6 ने नरेश दा नाम लिया है ते हुण इन्हां दे सामने बिठा के दिल्ली पुलिस नरेश तों सवाल जवाब करेगी। इस पुछगिछ दौरान कई वड्डे खुलासे होण दी उम्मीद है। पंजाब दे हुशियारपुर जिले दे नाल संबंध रखण वाले नरेश दा संबंध लॉरेंस काला जठेड़ी गैंग दे नाल मन्निया गया है। इसनू लॉरेंस दा करीबी भी मन्निया जा रहा है। ते हुण जान लैणे आ कि सिद्धू दे मापिआं दा की हाल है। मानसा दा पिंड मूसा, ये तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो। सिद्धू मूसेवाले दे घर दीआं तस्वीरां ने, उस हवेली दीआं तस्वीरां ने जिहड़ी कि उसने बड़ी रीझां दे नाल बनाई सी। ते इसे हवेली दे विच उसदे विआह दा काज भी रचाया जाणा सी। इक पासे मेन रोड दे सिद्धू मूसेवाले दी हवेली है ते दूसरे पासे उही खेत है जिथे मूसेवाले दा अंतिम संस्कार होया सी उसदे खेतां दे विच। ते इत्थे रोजाना वड्डी गिणती दे विच लोक आउंदे ने उसदे अंतिम संस्कार वाली थां ते फुल वगैरा चढ़ा के जांदे ने, अपनी शरदा दे फुल भेंट करके जांदे ने। हालांकि परिवार ने एक वड्डा सूचना बोर्ड भी लाया होया है कि इत्थे पैसियां दे नाल मत्था ना टेकिया जावे। ते सिद्धू दे कतल होण तों कई दिनां तक उसदे मापे लगातार आउण वालिआं नूं चाहुण वालिआं नूं मिलदे रहे ते पूरी दुनिया तों वख-वख थावां तों लोक सिद्धू दे मापिआं नाल हुण वी दुख दर्द वंडाउण दे लई पहुंचदे ने। पर कुछ दिन पहलां उसदे मापिआं ने इह सारिआं नूं अपील कीती सी कि हुण जिहड़े वी मिलणा चाहुंदे ने, उहनां दे मापिआं नूं मिलणा चाहुंदे ने, मूसा पिंड उहनां दे घरे जाणा चाहुंदे ने, उह सिर्फ ते सिर्फ ऐतवार नूं ही आउण, क्योंकि मापिआं ने हुण अपने आप दे नाल रहिणा वी सिखणा है, उस दर्द नूं उहनां ने आप वी हंडाउणा सिखणा है। सो हुण ऐतवार दे दिन ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਧਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਗਰੋਹ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ। ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਂਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੌਰਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ 5 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਕੇ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫ
FIR रद्द करन बारे पंजाब दे साबका जंगलात मंत्री संगत सिंह गिलजिया दी अर्जी सुनन तो इनकार कर दिता है। कुछ दिन पहला साबका मंत्री साधु सिंह धर्मसोत दे खिलाफ मोहाली दे विजिलेंस थाने विच भ्रिष्टाचार रोकू एक्ट दीआं वख-वख धाराएं तहत केस दर्ज किया गया सी। इस केस दे विच गिलजिया नूं वी नामजद किया गया सी। हालांकि गिलजिया तक हले पुलिस दे हत्थ नहीं पहुंच सके ते गिलजिया ने विजिलेंस दी कारवाई नूं सियासी बदले खरी दसदिआं अपने खिलाफ दर्ज FIR नूं रद्द करन लई पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट च अपील पाई सी, दरवाजा खड़काया सी, पर हाईकोर्ट ने गिलजिया नूं झटका दिता है। सुनवाई तो इनकार करदिआं उस नूं पहलां जमानत अर्जी लाउण लई कहा है। धर्मसोत समेत उसका OST चमकौर सिंह ते मीडिया सलाहकार कमलजीत सिंह जेल दे विच ने, जदकि गिलजिया विजिलेंस की गिरफ्त तो बाहर है। सो पंजाब सरकार दी हदायतां दे उत्ते पुलिस ने ड्रग ते भ्रिष्टाचार खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है। इस दी बदौलत पंजाब पुलिस ने एक होर कामयाबी मिली है। गुरदासपुर ते पठानकोट जिले दी ड्रग इंस्पैक्टर बबलीन कौर नूं रिश्वत देने दे इल्जाम च गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री एंटी करप्शन हैल्पलाइन नंबर ते शिकायत मिली, जिस तों बाद जांच कीती गई ते बबलीन कौर नूं गिरफ्तार किया गया, जिहड़ी कि GNDU यानी कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर दे विच लुकी हुई सी। बबलीन ते इल्जाम है कि उसके अधीन काम करने वाले दर्जा 4 मुलाजम ने गुरदासपुर दे एक कैमिस्ट तों लाइसेंस जारी करने लई रिश्वत मंगी। कैमिस्ट ने मुख्यमंत्री एंटी करप्शन हैल्पलाइन नंबर ते फोन किया, जिस तों बाद ये कार्रवाई हुई है। भ्रिष्टाचार खिलाफ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जिहड़ी हैल्पलाइन नंबर जारी की हुई है 95012000 व्हाट्सएप नंबर ते जानकारी देनी हुंदी है ते इस नंबर ते शिकायतां मिलन तों बाद हुण तक 45 जणिआं दी गिरफ्तारी हो चुकी है पूरे पंजाब दे विचों। पंजाब दे माल विभाग दे विच कई अधिकारी तबादले तों बाद वी कुर्सी छड्डण नूं तैयार नहीं। सरकार दे ध्यान विच आया कि कई तहसीलदार अते नायब तहसीलदार बदलियां तों बाद वी चार्ज नहीं छड्ड रहे, जिस करके लोकां नूं रजिस्ट्रियां करवाउण ते होर कई तरां दे कम्मां दे विच परेशानियां दा सामना करना पै रिहा है। सरकार इस बारे पता लगदा ही हरकत विच आई है। सरकार ने सारे DC नूं इस संबंधी कार्रवाई करन लई कहा है। सरकार ने हाल ही विच 206 तहसीलदारां ते नायब तहसीलदारां दीआं बदलियां कीतीआं ने। इस दे बावजूद कई अधिकारियां ने ना तां नवीं थां जॉइन कीती ना ही पुरानी थां दा चार्ज छड्डिआ। सरकार ने हुण नोटिस लैंदिआं DC नूं कहा कि ओह अजे अधिकारियां नूं चार्ज छड्ड के नवीं थां जॉइन करन लई कहिण। सारे तहसीलदारां ते नायब तहसीलदारां तों इलावा हरेक कर्मचारी समय सिर दफ्तर आए। जे किसी ने काम लई बाहर जाणा होवे तां मूवमेंट रजिस्टर दे विच दर्ज कीता जावे तां जो इस दी जांच होवे। उहनां नूं बिना इजाजत लए स्टेशन यानी कि तैनाती वाले जिले तो बाहर ना जाने भी कहा गया, यानी कि सारे जड़े मुलाजम ने उन्होंने। पाकिस्तान के थल सेना मुखी जनरल कमर जावेद बाजवा ने बरतानवी सिख फौजियों के वफद के नाल मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि इतिहासक करतारपुर साहब का लांघा धार्मिक आजादी और सद्भावना प्रति पाकिस्तान की अटुट वचनबद्धता का अमली प्रगटावा है। यानी कि पाकिस्तान के फौजी जरनैल ने बरतानिया के 12 सिख फौजियों के नाल मुलाकात की है। बरतानिया की फील्ड आर्मी के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल सेलिया जे हारवी की अगवाई में 12 मैंबरी ग्रुप ने रावलपिंडी स्थित थल सेना हैडक्वार्टर के विच बाजवा के नाल मुलाकात की। मीटिंग दौरान बाजवा ने वफद नूं दस्सिया कि पाकिस्तान सारे धर्मां दा सत्कार करदा है, मनदा है कि देश विच धार्मिक सैर सपाटे नूं उत्साहित करन दी लोड़ है। वफद ने मुल्क विचले सिखां दे नाल संबंधित धार्मिक ते इतिहासिक स्थानां दा दौरा भी कीता। वाघा बॉर्डर ते शाम नूं झंडा उतारन दी रस्म दा भी आनंद माणिया। संयुक्त राष्ट्र दे सकत्तर जनरल दे बुलारे ने भारत दे विच ऑल्ट न्यूज़ दे सह संस्थापक मुहम्मद जुबैर दी गिरफ्तारी दी निंदा कीती है। उस गिरफ्तारी का हवाला देंदे हुए कहा है कि पत्रकार जो कुछ भी लिखते ने ट्वीट करते ने जां फिर कहते ने उस लई पत्रकारां नूं जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। बुलारे ने कहा है, यानी कि UN ने कहा है कि लोगों नूं निडर होकर अपने मन की गल कह दिती जानी चाहिए है। इस दौरान NGO कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स ने भी जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा की है। वाशिंगटन दे विच CPJ दे एशिया प्रोग्राम कोआर्डिनेटर स्टीवन बटलर ने कहा कि पत्रकार मुहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी ने भारत विच प्रेस की आजादी के पद्धर नूं होर भी नीवा कर दिता है। सरकार ने प्रेस के मैंबरां लई फिरकू मुद्दियां नाल जुड़ियां खबरां छापण लई असुरक्षित विरोधी माहौल पैदा कर दिता है। अधिकारियों नूं जुबैर नूं तुरंत अते बिना शर्त रिहा करना चाहिए है। उस नूं बिना किसी दखल दे अपनी पत्रकारी करन देना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने फैक्ट चैकिंग वैबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के पत्र मुहम्मद जुबैर नूं सोमवार दे रात नूं गिरफ्तार किया। जुबैर नूं भारतीय दंडावली दी धारा 153A 295A दे तहत गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग दे दौरान एक ट्विटर हैंडल तो मिली जानकारी तो बाद जुबैर दे खिलाफ मामला दर्ज किया गया सी।
पुलिस के मुताबिक जुबैर के एक ट्वीट से लिखा सी कि एक खास धर्म के अपमान के इरादे के नाल उन्होंने तस्वीर पोस्ट की ते उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए सी। ते इत्थे थानू एक वड्डी गल ये दस दें कि पिछले दिन पैगंबर मुहम्मद साहिब के खिलाफ टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा के खिलाफ भी 295 ए लगी हुई है और मुहम्मद जुबैर से भी 295 ए लाई है धारा, पर नुपुर शर्मा की हाले तक भी गिरफ्तारी नहीं होंगी, जिसने पूरी दुनिया के अपने जहर भरे बयान के नाल तरथली मचा दी सी। दुनिया भर के विरोध होया सी, पर पत्रकार की गिरफ्तारी उस वक्त ही कर लेंदी है दिल्ली पुलिस। ये जेडे दोगले आप कह सकते दोगलियां कार्रवाइया इस मुल्क दे विच हर चीज़ नू लैके क्यों हुंदियां ने, खास करके कानून, खास करके न्यायपालिका दे वल्लों, खास करके पुलिस महकमे दे वल्लों ये सवाल है जिहड़ा वड्डे पद्धर ते उठदा है। जे आपां अंदरली गल कर लईए तां जिहड़ा ऑल्ट न्यूज़ है वह फैक्ट चैकिंग खबरां करदा है, यानी कि फैक्ट चैक करन वालियां स्टोरियां करदा है, यानी कि जे सरकार ने कोई दावा कर दिता जां फिर कोई खबर वायरल हो रही है, कोई वीडियो वायरल हो रही है, तस्वीर वायरल हो रही है, उस दे पिछे जाके उस दे असली सच नूं इह कढ के लिआउंदे ने कि असल दे विच सच है कि। इस करके पिछले कई समय तो लग रहा सी देखण वाले लोकां नूं कि कदे ना कदे कोई कार्रवाई तो जरूर होएगी, ते कार्रवाई का जिहड़ा कारण है ऐतकी जिहड़ा पुलिस ने दस्सिया उह असीं तुहानूं दस दित्ता है। पिछले दिन ही सेंटर सरकार ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है जिहड़ी कि भारतीय फौज दे विच फौजियां दी भर्ती करन दा एक नवां राह है, जिसनूं पंजाब ही नहीं पूरे भारत दे नौजवान नकार रहे ने। कांग्रेस भी वड्डे रूप दे विच इसका विरोध कर रही है, पर कांग्रेस दे ही एमपी मनीष तिवाड़ी ने इस योजना का समर्थन किया है, तो कांग्रेस ने इस समर्थन नूं मनीष तिवाड़ी दे निजी विचार कह के पल्ला छुड़ा लिया है। दरअसल तिवाड़ी ने अंग्रेजी अखबार दे विच एक लेख अपना दिता, उस दे विच कहा कि अग्निपथ रक्षा सुधारां ते आधुनिकीकरण की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है। इस ते कांग्रेस के जनरल सकत्तर जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि कांग्रेस के एमपी मनीष तिवाड़ी ने अग्निपथ ते लेख लिखिया, कांग्रेस जमहूरी पार्टी है, इस नाल ते कहना बनता है कि तिवाड़ी के निजी विचार ने पार्टी के विचार नहीं हैं। लोक सभा हलका संगरूर तो नवे चुने गए एमपी सिमरनजीत सिंह मान की सेहत विगड़न कारण उन्होंने पटियाला के रजिंद्रा हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया है। एक दिन पहला उन्होंने कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई सी। जलालाबाद तो खबर है जिथे शेर मुहम्मद गुरद्वारा साहब के सरोवर के पैर फिसलन कारण तीन बच्चे डुब गए। सरोवर के नहाँ गए बच्चों एक लड़का से दो लड़कियां शामिल सन, जिन्हों की उम्र 10 से 12 साल के करीब दसी जा रही है। सरोवर के डुबण वाले बच्चों की पछाण हरप्रीत सिंह, जसविंदर, सीरत, ये सारे जड़े है जलालाबाद के आस पास के पिंड वाले सन। बच्चों गुरुद्वारे के सरोवर के कढ के हस्पताल ले जाया गया, जिथे उन्होंने मृतक ऐलान दिता गया। पंजाब दी खास खबरों के खास बुलेटिन सब तो इजाजत चाहते हैं, धन्यवाद।